फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब में। साल भर में 15 दिन का ऐसा समय होता है जब आप अपने पितरों के सम्मान में श्राद्ध करते हैं या पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते। वही पितृपक्ष के दिनों में पितरों की या आत्मा की शांति के लिए हमें किसी ना किसी रूप में धरती में भी आते हैं और हमें अपने परिजनों को आशीर्वाद देके जाते हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष के दिनों में मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करें, इससे पितर नाराज़ हो जाते हैं और इसका सीधा असर वंश पर पड़ता है। हिंदू धर्म किसी भी त्यौहार में लहसुन प्याज ज़्यादा नहीं खाया जाता। लहसुन और प्याज को तामसी भोजन के रूप में जानते, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन दिनों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पके हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हीं चावलों से पितरों का श्राद्ध किया, इसलिए कच्चे चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मसूर की दाल खाना भी वर्जित है, बताया जाता है, क्योंकि इसका संबंध मंगल से होता है जो कि क्रोध का कारक होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं कर। हमें पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए? पितृपक्ष में हमें चना और इससे बनी चीज़ें जैसे कि बेसन, चने की दाल, मिठाई आदि नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें पितरों को अर्पित नहीं की जाती। पितृपक्ष के दौरान चना भी नहीं खाना चाहिए, अशुभ माना जाता। कुछ जगहों पर कढ़ी बनती है जो कि वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान गाजर, मूली आदि नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनका संबंध राहों से होता है। इनकी गिनती अशुद्ध सब्जियों में होती। पितृपक्ष के दौरान अरबी, आलू, कंद का भी सेवन नहीं करते हैं। भाद्र अमावस्या के दिन पितृ शांति के लिए करें उपाय, पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आसपास कोई नदी तालाब ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर बाल्टी में स्नान कर नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान, पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा के दौरान पेड़ की 7 परिक्रमा करें। सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक, पितृ स्रोत और पितृ कवच का पाठ करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्न वस्त्र और धन का दान करें, व्रत रखें और धार्मिक अनुष्ठान करें। साल में 12 अमावस्या तिथियां पड़ती, लेकिन इन सभी तिथियों में भाद्रपद की अमावस्या का विशेष है। इस माह की अमावस्या को शनि दोष, काल सर्प दोष, पित्त दोष, आर्थिक समस्याओं आदि से मुक्ति पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो भाद्र अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन किसी पंडित या विशेषज्ञ से नाग बलि की पूजा करानी चाहिए। साथ ही चांदी के नाग नागिन के बने जोड़े सफ़ेद फूल के साथ उनको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। काल सर्प दोष से राहत पाने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। भाद्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और 5 तरह की मिठाई भी रखें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर पितरों और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इसके बाद हाथ जोड़कर पीपल की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भाद्रपद की अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और तर्पण और पिंडदान करते। इसके बाद किसी गरीब व ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा अवध, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। भाद्र अमावस्या के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पितृ अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आटे के दीपक में तिल के तेल का प्रयोग करें और मौली की बाती बनाएं। दीपक में कुछ काले तिल भी डालें और उसे घर की दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद कपूर को घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। ऐसा करने से पितृ शांति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भाद्र अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शनि की पूजा अर्चना करें और शनि देव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं। साथ ही रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम शम शनिश्चरय नमः का मंत्र जाप करें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दान भी करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि की 7.5 वाढ़या के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। पूजा के समय काले तिल, जौ और दूध, चावल और जल का प्रयोग करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, ये आप बहुत ही शुभ माना जाता है। घर पे ही कर सकते हैं श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय के दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। इसके बाद सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें और दक्षिण दिशा में मुँह कर बैठ जाएं और पैर को मोड़ लें और टेका ले लें। इसके बाद तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भर कर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इसी तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें।
घर के आंगन में रंगोली बनाए। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन प्रसाद के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं और निमंत्रण ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाले। दक्षिण मुख दिशा में मुँह करके कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और एक या तीन ब्राह्मण को भोजन करें। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। प्रसन्न होकर भोजन परोसे। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री ध्यान दें। इसमें गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, घी, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक महादान कहा जाता है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की चार बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद पर ब्राह्मण को चाहिए कि स्वास्तिक वाचन तथा वेद पाठ करे तथा गृहस्थ के लिए पितर के शुभ प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त करे। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए ये चीज़ें जरूरी होती हैं। धन्यवाद।